भक्तों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। एक बार स्वागत है आप सभी का सत्ता के संग्राम में। और आज नतीजों का दिन है। आज इस दिन तमाम हमने आपको रुझान बताए हैं और लगभग तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। और इसी पर ज्यादा और जानकारी के साथ में हमारे साथ बहुत खास पैनल इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। तारुफ मैं उनसे कराना चाहूंगी। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आरपी श्रीवास्तव जी लाइव जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका आरपी श्रीवास्तव जी। तो दूसरी तरफ राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ अवधेश पांडे जी लाइव जुड़े हैं। और वहीं धैर्य वर्धन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी से प्रवक्ता हैं। और वहीं राजेश मूरत जी हमारे साथ पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ से भी लाइव जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत। और वहीं हमारे साथ स्वराज सवता प्रमोद शर्मा भी जुड़े हुए हैं। इनसे भी ये तमाम अपडेट्स हम लेंगे। शुरुआत सबसे पहले अवधेश जी आपसे ही कर देते हैं क्योंकि आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। एग्जिट पोल जिस तरीके से नतीजे मीडिया दिखा रही थी लगभग वही आंकड़े छूते हुए ये रुझान नजर आ रहे हैं। पहले आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी बन जाती है। देखिए मुद्रा क्या है कि जो भी एग्जिट पोल 19 तारीख को दिखाए गए थे तो लोगों के मन में एक शंका थी कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सारे चैनल डटे रहे कि होगा यही। और मोदी जी और अमित शाह जी ने तो 59 सीट जब बाकी थी तभी कह दिया था कि हम 300 पार जाएंगे और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो जो दिखा था तो वही अमूमन हुआ है। और सारे चैनलों ने जो दिखाया था तकरीबन सभी चैनलों 287 से लेकर 345-50 तक दिखाया था और वही आज देखने को आया है। तो ये मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि अनुमान जो था वो तकरीबन बिल्कुल ठीक था और बीजेपी ने अच्छा गेम किया। बीजेपी अपने आप में 301 सीट लेके आई है, बाकी गठबंधन के साथ है। तो मतलब बढ़िया, मतलब बधाई के पात्र हैं। मतलब अमित शाह जी और मोदी जी ने जो काम किया है और जनता ने उन्हें स्वीकारा है। चलिए अब और भी जैसे हम बात करेंगे, लेकिन राजेश मूरत जी अब आपके पास आना चाहेंगे। जो रुझान आपने देखे हैं जाहिर तौर पर खुशी तो हो रही होगी, लेकिन बहुत सी सीटें ऐसी भी थी जो वाकई चौंकाने वाली थी। कांग्रेस से कहा जा रहा था कि कम से कम छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ सकती है, लेकिन बीजेपी की यहाँ पर खुशी देखी जा रही है और मोदी लहर कहीं ना कहीं असर कर गई। सवाल कुछ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से कार्य योजना बनाकर के चुनाव में अपनी भूमिका निभाई है और माननीय मोदी जी का जो 2014 के बाद में छत्तीसगढ़ में उन्होंने जो सहयोग दिया सबके साथ सबका विकास, यही एक मुद्दा आम जनता के बीच में चलता रहा और देश के अंदर ये बात आई है कि मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त भारत, सुरक्षित भारत, इस परिकल्पना को लेकर के हम लोगों ने पूरे चुनाव की कैंपेन प्रारंभ की और आम जनता ने इस बात का सहयोग दिया। उन्होंने कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए वो काम के आधार पर ही हमने जनता के बीच में अपनी बात को रखा और जनता ने हमें सपोर्ट वापस किया। ये जरूर बात थी कि 5 महीने पहले सरकार बनी और सरकार का जिस प्रकार का काम करने का तरीका, बदलापुर की राजनीति पूरे प्रदेश में आतंक का वातावरण चारों तरफ जिस प्रकार का वातावरण बन गया, चाहे बिजली की बातचीत करूं, चाहे किसान के कर्जे की बात करूं या विकास के संबंध में रुक गए पूरे काम, या आम जनता में चर्चा का विषय बना और इसीलिए जनता ने खोल करके वापस वो जो बुखार चढ़ा था बुखार उतर गया और उतरने के बाद उसके बाद जनता ने पुनः बीजेपी के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की।
बिल्कुल, तो इसे आप मोदी लहर में मोदी का चेहरा मानेंगे या फिर कहीं ना कहीं इफेक्ट जो प्रत्याशी है वो भी किया है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने तरीके से बहुत सोच समझ कर प्रत्याशियों को उतारा था, तो मोदी लहर ज्यादा असरदार रही या फिर प्रत्याशी? देखिए, मोदी जी का काम और मोदी जी की सोच उनकी कल्पना और उसी को लेकर के आम जनता के बीच में हम गए। 7 साल में गांव गरीब किसान मजदूर के लिए माननीय मोदी जी जो कल्याणकारी योजना लेकर के आए, चाहे स्वच्छ शौचालय की बातचीत, प्रधानमंत्री आवास की बातचीत, चाहे गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बातचीत हो, या छत्तीसगढ़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया उसका एक सबसे बड़ा इफेक्ट इस पूरे चुनाव में देखने को मोदी जी के लिए मिला है। और लोगों में देशभक्ति का ज्वार, वो पूरा ज्वार था, लोगों के मन में बात थी कि इस देश में मोदी है तो मुमकिन है, और उस बात को आम जनता तक लेके भाजपा के कार्यकर्ता जा गए और उसका सपोर्ट हमारे को मिला। जी राजीव जी, मुद्दे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे दोनों ही पार्टियों की तरफ से छाए रहे थे। अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो मुद्दों की कमी नहीं थी, यहाँ पर 72,000 फॉर्मूला केंद्र की तरफ से था। अगर सिर्फ राज्य स्तर पर अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर बिजली बिल हाफ करना, कर्ज माफी, ये एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन जो एग्जिट पोल थे उनसे भी गई बीती स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। तो मुद्दे बीजेपी के, हालांकि इस बीच ये भी कहा जाता है कि बीजेपी की तरफ से मुद्दे कम है, सिर्फ चेहरा काफी है। देखिए, सामान्यतः छत्तीसगढ़ एक शांति का टापू है, छत्तीसगढ़ में कभी वायलेंस को स्वीकार नहीं किया, छत्तीसगढ़ में ना तो जातिवाद है ना छत्तीसगढ़ के अंदर वर्ग संघर्ष है। यह सरकार बनने के बाद जो बदलापुर की राजनीति प्रारंभ की छत्तीसगढ़ में, जो अनाचार अत्याचार और लोगों के प्रति जो विश्वास, आज किसान भटक रहा उसका कर्जा माफ नहीं हुआ, आज बिजली का बिल हाफ नहीं हुआ लेकिन बिजली हाफ हो गई, पूरे प्रदेश में विकास के काम ठप पड़े हुए, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी कोई भी काम, ये स्थिति बन गई है। प्रदेश सरकार दिवाले की ओर चले गई, ओवरड्राफ्ट में चले गई, आज वित्तीय स्थिति खराब हो गई। तो कुल मिलाकर आपको कहना है जो कांग्रेस ने कहे थे, जी जो मुद्दे कांग्रेस ने कहे थे वो पूरी वो नहीं कर पाई, उसी का परिणाम है जो विधानसभा तो जैसे तैसे निकाल ली छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने, लेकिन अब जब बात सांसद बनने की आ गई तो बहुत ज्यादा सांसद यहाँ से निकलते नजर नहीं आ रहे। चलिए वापस आएंगे आपके पास, हमारे साथ लखनऊ से लाइव अखिल सिद्दीकी जुड़े हुए हैं। चलिए अखिल से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उनकी तकनीकी खामी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रमोद भी हमारे साथ दूसरी तरफ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश भोपाल से। प्रमोद, क्या कुछ और ज्यादा जानकारियां मिल पा रही हैं? लगातार हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। गैरी बर्डन जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे, जो रुझान आप देख रहे हैं जो बीजेपी के परफॉर्मेंस है उसको लेकर पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जिनके सर पे छप्पर हुआ करता था, पॉलिथिन के मकानों में झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, ऐसे 1.5 करोड़ लोगों को मकान मिला है, उनकी दुआ का परिणाम है नरेंद्र मोदी जी की पुनर्विजय। जिनके घरों में शौचालय बने, कांग्रेस के काल में गांव गांव में लोटा गेंद घूमती थी, उन शौचालय के लिए
12,000 रुपए के आसपास की राशि सीधे खाते में पहुंचाइए बिचौलियों के बंदर बांट से बचाकर, उसकी मुस्कुराहट का नतीजा है ये भारतीय जनता पार्टी की विजय। जिन लाखों लोगों का इलाज प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि जो प्रावधानित की गई है उससे इलाज हुआ है, उसके कारण से लोगों की मुस्कुराहट का प्रतिफल है ये नरेंद्र मोदी जी के एक बार फिर से सरकार बनना। नरेंद्र मोदी जी को लेकर के हमको विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा। नरेंद्र मोदी जी ने बहुआयामी काम किया है। देखिए, गरीब को घर दिया, माता बहनों को रसोई गैस दी, तो वहीं हाईवे बनाए, वहीं रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण हो रहा है, रेलवे का विद्युतीकरण हो रहा है, तो दूसरी ओर सेना कैसे सुदृढ़ हो, कैसे उनको ब्लड प्रूफ जैकेट मिले, बड़े बड़े फाइटर प्लेन मिले, तो तमंचे कारतूस नए मिले, राइफल्स मिले, उसकी चिंता भी सरकार कर रही है। पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाए ये चिंता भी सरकार कर रही है। इसीलिए हिमालय से लेकर के समुद्र पर्यंत तक, अटक से लेकर कटक तक भारतीय जनता पार्टी बहुतायत में आई है। और मैं एक और विनम्रता के साथ बात कह रहा हूं, जिस प्रकार का प्यार लोगों का उमड़ घुमड़ के मोदी जी को मिल रहा है, और मोदी जी सबका साथ सबका विकास के पर्याय बने हुए हैं, देख लीजिएगा जिस तमिलनाडु में, जिस केरला में, जिस आंध्रा में, जिस तेलंगाना में अभी हमें कमी है 2024 में, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का ध्वज ठीक वैसे ही फहराता हुआ पाएंगी जैसा आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, सुदूर क्षेत्रों में आपको देखने को मिला है। जी आरपी श्रीवास्तव जी, एक बड़ी ही चौंकाने वाली और बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पर इन रुझानों में नजर आ रही है, और वो ये कि जो अनएक्सपेक्टेड चीजें थी वो भी हो रही है। जिन सीटों पर पहले ही कांग्रेस की तरफ से माना जा रहा था कि कम से कम अच्छी परफॉर्मेंस मिल ही जाएगी, यहाँ अगर बात बड़े नामी चेहरे की कर ली जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हर बार जीतते आए हैं लेकिन इस बार उनकी सीट बदले जाने का असर भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ज्यादा अंतर से वो पीछे चल रहे हैं, लगभग 2 लाख मतों से पीछे चल रहे हैं वो। देखिए उतरा वाकई चौंकाने वाली बात है कि जिन सीटों पर बहुत सारे राजनीतिक पंडित भी कयास लगा रहे थे कि ये सीट तो जीतेगी, और वहां पर जिस तरह की बुरी तरह से हार हो रही है, तो हमको लगता है कि ये जो है पूरे हिंदी पट्टी में, पूरे उत्तर भारत में एक तरह से मोदी वेव ही नहीं कहिए, सुनामी कह लीजिए या उससे भी बड़ा कोई जो भी शब्द आता हो, उसके पीछे दो रीजन है। एक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने, खास करके मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर के एक बहुत ही तरीके से कैंपेनिंग शुरुआत किया, आपने देखा होगा, शुरुआत से देखा होगा। सबसे पहले उन्होंने अपने विपक्षी दल के लोगों को टारगेट बनाया और उसके बाद ये संदेश देने की देश भर में कोशिश की कि वाकई इन लोगों ने, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा का मामला हो चाहे किसी भी तरह का, और बहुत सारी जांच पड़ताल, और इवन अंत में तो मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि जिस तरह से छापे पड़े, ये सारी चीजें जनता के बीच में परसेप्शन गया, और वो परसेप्शन ये था कि ये लोग जो है विपक्षी दल, जिस तरह से महामिलावटी वर्ड शब्द बोलते थे, तो विपक्षी दल उससे को एक अलग ही कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ी बात उसके बाद दूसरा जो पक्ष उनका आया बालाकोट के बाद। श्रीवास्तव जी आपके पास वापस आएंगे, हमारे साथ लाइव अकील सिद्दीकी जुड़ गए हैं, स्टेट ब्यूरो हेड, कुछ जानकारियां वो हमें दे रहे हैं। अकील जी क्या जानकारियां मिल रही हैं? देखिए जिस तरह बीजेपी की यहाँ से जीत हुई है, निश्चित तौर पे सीटें आई हैं, उसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित है, हम बीजेपी दफ्तर में खड़े हैं, आप देखिए कि बीजेपी दफ्तर में किस तरह खुशी का माहौल है। आप देखिए विकास अपने कैमरा पर्सन देखेंगे दिखाए, स्कूटी देखिए बीजेपी स्कूटी, आप शानदार स्कूटी से यहाँ पे लोग सफर करने आए, देखिए ये है, ये बीजेपी स्कूटी, पूरे स्कूटी को बीजेपी की तरह से रंग दिया गया है। निश्चित तौर पे अगर देखा जाए कार्यकर्ताओं में उत्साहित है, लोग खुशी का माहौल है यहाँ पे, पूरे हुजूम देखिए कार्यकर्ताओं की, किसी खुशी की लहर है, लोग उत्साहित है यहाँ पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए यहाँ पर, मंच पर चढ़े, मंच पर चढ़ने के बाद वहाँ से विक्ट्री लाए, यानी कहीं ना कहीं जिन्होंने उन्होंने जितनी मेहनत की थी उसका परिणाम यहाँ मिला है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह सीटें आई हैं, कहीं ना कहीं सीटें कुछ कम हुई हैं 2014 के अनुसार, गठबंधन को फायदा हुआ है, लेकिन गठबंधन को जिस तरह फायदा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। 19 के अंदर सिमट गई है अभी तक पूरी रुझान, कुछ जो सारी सीटें हैं कुछ समय में वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए निश्चित तौर पे कि बीजेपी की जो सीटें थी वो कम हुई है, और जो वोट भी थी, यानी कांग्रेस को प्रियंका के आने से जिस तरह माना जा रहा था कि कांग्रेस को बड़ा फायदा पूर्वांचल में होगा,
वो नहीं हुआ है। एक सीट पे अगर देखा जाए सोनिया गांधी वो सीट कहीं ना कहीं बचा पाई है, राहुल गांधी वाली आपको रोक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे सत्ता का महासंग्राम में। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो।